देखिए, मैंने पहली तारीख को डिप्टी डायरेक्टर रानीपुर टाइगर रिजर्व का चार्ज लिया है और साथ ही साथ इसी में लगभग 7 रेंजे हैं जिनमें मानिकपुर 1 और मानिकपुर 2, मानिकपुर मारकुंडी 1, मारकुंडी 2, रायपुरा, करवी और बरगढ़ कुल मिला के 7 रेंजों में। अभी तो एक तो शासन द्वारा जो निर्धारित कार्यक्रम है उसके तहत रानीपुर टाइगर रिजर्व के विकास में बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा रोल हमको अदा करना है। उसके उसकी सुरक्षा और उसके संवर्धन के लिए बहुत प्रयास करने हैं। और इस वर्ष मैं देख रहा हूँ कि गर्मी थोड़ा जैसे पहले आ गई हो और उसका दुष्प्रभाव गेहूं की फसल पर भी है और जंगल में भी जो पत्तियां हैं, खरपतवार है, सब सूख गए हैं। ऐसे में आग लगने की और आग लगने से जंगली जानवरों और वृक्ष शस्त्र को भी भारी नुकसान होने का आशंका है। इसी क्रम में मैंने सभी रेंज अधिकारियों को बता दिया है कि आप अपने सभी बीटों में एक एक दो दो फायर वाचर्स को अवश्य रखिए जो फॉरेस्ट गार्ड के साथ सतत गश्त करते रहें, और एक क्रू स्टेशन आप बनाए रखें जो मोबाइल से जुड़ा हो। जब भी कोई सूचना शासन प्रशासन से या जिले स्तर से पहुँचे तो तत्काल वहाँ जाया जाए और कोशिश की जाए, अपना भरसक प्रयास किया जाए कि आग को बढ़ने से रोका जाए और उसको यथाशीघ्र बुझाने का प्रयास किया जाए। काफ़ी समय से देखा जा रहा है सर कि टाइगर्स की मूवमेंट पन्ना से इधर देखी जा रही है, लोगों को क्या संदेश देंगे जंगल में किस तरीके से ध्यान रखें सुरक्षा का अपने, क्योंकि कई मार्ग जंगल से होकर जाते हैं, ऐसे में क्या कुछ कहना चाहेंगे लोगों से आप? देखिए, रानीपुर टाइगर रिजर्व के सृजन के पहले से ही लोगों का, यद्यपि हक हकूक जंगलों पर नहीं रह गया धारा 20 के प्रकाशन के उपरांत, लेकिन फिर भी एक मानवीय आधार के तौर पर लोग जंगल से अपना रोज़मर्रा की बहुत सी चीज़ें एकत्र करते रहे हैं और लकड़ी भी जलावले के तौर पर लाते रहे हैं और भेड़ बकरी और गाय वगैरह भी चराते हैं। सामान्यतः टाइगर एक रोबस्ट जानवर होता है जिसको जो एक रात में लगभग 60 से 70 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करता है, और आसपास के निकटवर्ती जो वन मध्य प्रदेश के जंगल हैं वहाँ से उनका हमारे जंगल में आना एक रूटीन जैसा है। हमारे जंगलों में लेपर्ड की संख्या अत्यधिक है और लेपर्ड जो है टाइगर के अपेक्षा बहुत छोटा प्राणी है। तो जिन जिन जंगलों में लेपर्ड और टाइगर वास करते हैं वहाँ उनके भोज्य पदार्थ भी पर्याप्त संख्या में है। हिरण का झुंड रात में, खासतौर से चीतल का एक बड़ा बड़ा झुंड जिनकी संख्या 20 से लेके कभी कभी 70-80 तक होती है, बहुतायत में पाए जाते हैं। ऐसे में हमारे जो कार्निवोर हैं यानी मांसाहारी पक्षी ये जानवर हैं, उनके लिए भोजन की अच्छी व्यवस्था है। हम थोड़ी सी सुरक्षा अगर कर लें, थोड़ी सी सुरक्षा का आशय हमारा ये है कि लोगों का आवागमन थोड़ा सा रोकें, रोकने का प्रयास करेंगे तभी रुकेगा। अगर उनको हम थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे कि भैया ये रानीपुर टाइगर रिजर्व बन गया है, थोड़ा सा आप और वैकल्पिक व्यवस्थाओं के तहत जैसे EDC और JFMCs को फिर से पुनर्जीवित किया जा रहा है, हम लोगों के आसपास के गांव के निवासियों की निर्भरता जंगलों पर कम से कम करना चाहते हैं। इस प्रयास में हम उनको ट्रेनिंग भी देंगे, कुछ उनको लाभ के बहुत सी वस्तुएं भी देंगे जैसे सोलर कुकर वगैरह और सोलर ये प्रेशर कुकर, बहुत सी चीज़ें जिससे कि जंगल पर उनकी जो डिपेंडेंसी है वो अति कम की जा सके। अगर ऐसा हो पाया, और ये निकट भविष्य में होगा लोगों के प्रयास से और लोगों के सतत वन कर्मियों के प्रयास से ये संभव हो पाएगा कि एक दिन ऐसा आएगा कि हम अपने जंगलों की, जो जंगल यही कि स्थानीय ग्रामीणों का जंगल है, वन विभाग का जंगल नहीं है, वो उन्हीं के काम आएगा और भविष्य में भी उन्हीं का है और उन्हीं के ही काम आएगा। अपने जंगलों की सुरक्षा और उसको सस्य श्यामला देखने के लिए उनकी भी इच्छा रहती है, और समय आएगा तो वो स्वयं देखेंगे कि टाइगर, हमारा जो टाइगर रिजर्व है इसके बढ़ने और इसकी जो विकसित होने की एवेन्यूज़, उसकी जो पोटेंशियल कैपेसिटी है वो कुछ अर्थों में दुधवा से भी ज़्यादा है। इतने अच्छे अच्छे स्थान हैं यहाँ पर। दुधवा तो एक ऐसा स्थल है कि जहाँ पर लोग जाना चाहेगा, राष्ट्रीय उद्यान है, लोग जाएंगे तभी जाएंगे वहाँ पर। यहाँ तो क्या है कि जो आदमी चित्रकूट आएगा, भगवान राम की नगरी है और बहुत से यहाँ पर जलप्रपात और सुंदर सुंदर स्थल हैं जहाँ लोग
दर्शन करने आते हैं। और पास में रानीपुर टाइगर रिजर्व होने से और उसके कई मार्ग हैं, वहाँ तक पहुँचने के कई मार्ग हैं, इससे लोगों की एक दिलचस्पी बढ़ेगी और इससे हमारे टाइगर रिजर्व का भी प्रचार प्रसार होगा और बाहर से भी लोग आएंगे। लाखों रुपया खर्च करके लोग आते हैं यहाँ पर वाइल्ड लाइफ को देखने और ये नेशनल पार्क और सेंचुरीज को देखने, और हम बड़ी आसानी से उनको टाइगर रिजर्व को दिखा भी पाएंगे। और जैसा पर्यटन ने हमसे एक तरह से हाथ मिलाकर अपना हेल्पिंग हैंड एक्सटेंड किया है, अगर फ्रिंजेस पे उनके होटल और स्विस कॉटन ये कॉटेज वगैरह बन जाएंगे तो टूरिस्ट को भी अच्छा लगेगा और हम अपने जंगलों को प्रदेश में, देश में और बाहर भी उसका हम विज्ञापन भी एक तरह से कर पाएंगे।